Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेलीविजन की एक बेहद ही प्रिटी फेस की, जिसकी क्यूटनेस ने टेली ऑडियंस के दिलों को बखूबी जीता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक प्यारी सी अभिनेत्री हिबा नवाब की, जिनकी प्यारी सी मुस्कान और टीवी में निभाए गए लोकप्रिय किरदारों ने ऑडियंस पर ऐसा जादू चलाया है कि आज उनकी गिनती टेलीविजन की मोस्ट लव्ड एंड पॉपुलर एक्ट्रेसेस में होती है। हिबा नवाब ने अपने कैरियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट करी थी और कुछ पॉपुलर शोज में वो दिखी भी थी, जिसके बाद एज अ ग्रोन अप लीड उन्होंने चैनल वी के शो क्रेजी स्टूपिड इश्क से डेब्यूट किया था, जिसके बाद से फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो कई सारे पॉपुलर शोज में फीचर हुई, जहाँ करंटली वो स्टार भारत की सीरियल वो तो है अलबेला से सभी के दिलों को जीत रही है। बट इन सभी सीरियल्स में एक बात जो सबसे ज़्यादा खास रही है, वो है उनके साथ बनाई गई पॉपुलर ऑन स्क्रीन जोड़ीज, जिन्हें ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम रैंकिंग करेंगे हिबा के ऑपोजिट में बनाई गई टॉप 10 ब्यूटीफुल जोड़ीज की। तो शुरुआत करेंगे रैंक नंबर 10 से, जहां है सीरियल वो तो है अलबेला से हिबा के साथ अनु सचदेवा की जोड़ी, जहां अनुज उर्फ चिरू हिबा उर्फ सयूरी के फर्स्ट लव होता है, जहां दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मूवमेंट्स दिखाए गए थे, लेकिन बाद में शो में चिरू के करेक्टर की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, अब बढ़ेंगे रैंक नंबर 9 की तरफ, जहां सीरियल जीजाजी छत पर कोई है से सीपी और जितेंद्र की जोड़ी, जहां इस शो में हिबा के लव इंटरेस्ट थे एक्टर सुभाषिश झा, पर ये शो कोरोना के वजह से बीच में ही बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, आप बढ़ेंगे रैंक नंबर 8 की तरफ, जहां हिबा संग एक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा की जोड़ी सीरियल मेरी सासू माँ से, जहां वो शो में हिबा उर्फ परी के सेकंड हस्बैंड के करेक्टर पे नजर आए थी, जहां ऑडियंस से इनकी जोड़ी को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो दोस्तों, अब आएंगे रैंक नंबर 7 की तरफ, जहां है कलर्स टीवी के सीरियल भाग बकुल भाग से बकुल और शीना की जोड़ी, जहां इस कॉमेडी ड्रामे में जय सोनी हिबा के अपोजिट में नजर आए थे और दोनों की क्यूट और फनी जोड़ी ने ऑडियंस को बेहद ही इंटरटेन किया था। तो दोस्तों, अब चलते हैं रैंक नंबर 6 की तरफ, जहां हिबा के अपोजिट में एक्टर रफी मलिक की जोड़ी सीरियल तेरे शहर में से, जहां हिबा उर्फ अमाया अपने पहले प्यार को भूलकर रामा से शादी कर लेती है और धीरे धीरे उसे समझने भी लगती है और बाद में दोनों ही एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। तो दोस्तों, अब आएंगे रैंक नंबर 5 पर, जहां हिबा संग विशाल वशिष्ठ की जोड़ी सीरियल क्रेजी स्टूपिड इश्क से, जहां इस यूथ ओरिएंटेड शो में अनुष्का और अयान की जोड़ी को ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और दोनों की जोड़ी रही ऑडियंस के बीच काफ़ी लोकप्रिय। तो दोस्तों, आप चलेंगे रैंक नंबर 4 पर, जहां हिबा के अपोजिट में पल्लवी पुरी की जोड़ी सीरियल मेरी सासू माँ से, जहां शो की लीडिंग जोड़ी परी और सत्तू को ऑडियंस से काफ़ी पसंद किया और दोनों साथ में काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे। शो भले ही फ्लॉप रहा था, पर दोनों की जोड़ी ऑडियंस के बीच काफ़ी हिट रही थी। तो दोस्तों, अब बढ़ेंगे रैंक नंबर 3 पर, जहां हिबा के अपोजिट में ध्रुव भंडारी की जोड़ी सीरियल तेरे शहर में से, जहां अमाया और मंटू की जोड़ी को सभी ने बेहद पसंद किया, जहां एपिसोड 1 से ही अमाया और मंटू की जोड़ी ने ऑडियंस के दिलों को बखूबी जीत लिया था और यूथ ऑडियंस के बीच दोनों की जोड़ी को इंस्टेंट पॉपुलैरिटी भी मिली और आज भी इनकी जोड़ी को ऑडियंस काफ़ी मिस करती है। तो दोस्तों, अब आ गए हम रैंक नंबर 2 पर, जहां सीरियल जीजाजी छत पर है से इलायची और पंचम की सुपर कूल जोड़ी, जहां निखिल खुराना इस शो में हिबा के अपोजिट में नजर आए थे, जहां ह्यूमर और लाफ्टर से भरे इस शो में इलायची और पंचम के रोमांटिक मूवमेंट्स ने ऑडियंस को काफ़ी इंटरटेन किया और ये जोड़ी हिट रही। फाइनली आएंगे हिबा के कैरियर की जोड़ी नंबर 1 पर, जहां कृष्णा और सयूरी की जोड़ी सीरियल वो तो है अलबेला से, जहां इस शो में हिबा के हीरो है साहिद शेख, जहां शो के फर्स्ट एपिसोड से ही सयू और कृष्णा के लव हिट रोमांस को ऑडियंस ने बेहद ही पसंद किया और आज ये जोड़ी स्टार भारत की लोकप्रिय जोड़ियों की गिनती में शामिल होती है। तो दोस्तों, ये थे हिबा नवाब संग बन चुकी कुछ बेहद ही शानदार जोड़ियां। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा एक्टर हिबा के अपोजिट सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।